है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में नीट के मुद्दे को लेकर बवाल। आप जानते हैं एनएसयूआई सड़क पर उतरी हुई है, प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस की छात्र इकाई है एनएसयूआई, जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करने की कोशिश में एनएसयूआई से जुड़े हुए ये छात्र, लेकिन यहां पर पुलिस की तरफ से भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है, छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी की क्या तस्वीर है जानते हैं जैनेन्द्र से। जैनेन्द्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन ये जो घेरेबंदी आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की, इसके जरिए उन्हें रोक दिया गया। कुछ छात्र जो बैरिकेड क्रॉस कर गए उन सबको हिरासत में लिया गया और बाकी प्रदर्शनकारियों को पर हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि वो पीछे की तरफ हटे। चूंकि छात्र है इस वजह से कोई ज्यादा बल प्रयोग अपनी तरफ से नहीं किया है, सुरक्षा बलों ने वो तैनात है ताकि जो प्रदर्शनकारी छात्र है वो संसद की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं बैरिकेडिंग पर ही और लगातार बैरिकेडिंग को देखिए कुछ इस तरीके से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के देखिए मुख्य मकसद संसद भवन पहुंचना नहीं है, मुख्य मकसद है नीट विवाद पर सरकार पर दबाव बनाना। सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए गए लेकिन अभी भी नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की जा रही है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर हल्ला बोला जा रहा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और दूसरी तरफ से जो पुलिस वाले हैं उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र है वो बैरिकेड तोड़ ना दे। तो ये इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और नीट के मसले पर सरकार से मांग की जा रही है कि दोबारा से परीक्षा की जाए। क्यों बैरिकेड तोड़ लगातार किसमें तानाशाही चल रही है, तानाशाही नीट में धांधली अगर चलेगी तो हम लोग लड़ेंगे। जब तक नीट के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा एनएसयूआई के लोग टिके रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को चेता देना चाहते हैं कि ये एक घंटे में अगर ये प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ, एक घंटे में नीट का पेपर नहीं कैंसिल हुआ तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। सुन सकते हैं आप, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और नीट परीक्षा दोबारा से करवाए जाने की मांग जी की जा रही है। तो ये जितना उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है उतनी ही यहाँ पर तैयारी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। दिव्यांकर, यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो बैरिकेड्स भी बड़े अलग तरीके के बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। आमतौर पर सामान्य तौर पर इस तरीके के बैरिकेड्स नहीं नजर आते हैं, यहाँ पर काफी ऊंचे बैरिकेड्स हैं जो लगाए गए हैं एनएसयूआई के इन छात्रों को संसद की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए। क्या है और सुरक्षा की यहाँ पर तैयारियां, जरा दिखाइए तस्वीरें दिव्यांकर। जी बिल्कुल, देखिए कई लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए। ये जो बैरिकेड मेरे ठीक बगल आप देख पाएंगे, इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा ऊंची बनाई गई है और जिसके ठीक पीछे की आप जो सुरक्षा घेरा रेखा है उसकी हम आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है उसे भी यहाँ पर तैनात किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और सामने आपको तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बैरिकेड क्रॉस करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा ना करें वरना उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो साफ तौर से की जाएगी। लेकिन छात्र लगातार जिस तरह से रीनीट की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उसके साथ साथ आगे बढ़कर वो सब जो संसद घेराव करने की जो कोशिश है वो भी कर रहे थे। तो तस्वीरों में आप देख पाएंगे दूसरे ओर की तस्वीर, यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हुए साफ तौर से ये तस्वीरों में नजर आएंगे। काफी ज्यादा जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है वो छात्र यहाँ पर साफ तौर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी ओर जहाँ पुलिस अनाउंस कर रही है कि जो छात्र हैं वो बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है या फिर संसद घेराव करने की कोशिश है वो ना करें, लेकिन छात्र जो है वो लगातार यहाँ पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से समझाने की भी कोशिश हो रही है क्यों आप लोग इन्होंने मासूम नियते छात्रों के ऊपर यहाँ पर लाठीचार्ज की है। हमारी बीजेपी सरकार से ये मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। बैरिकेड जो आप लोग तोड़ रहे हैं तो क्या उग्र प्रदर्शन के ऊपर के लिए आपके ऊपर कार्रवाई अगर होगी तब लट से लट बजा देंगे पुलिस के लाठी डंडों से। ये छात्र डरने वाले नहीं है, तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने हम संसद का घेराव करेंगे क्योंकि संसद में देश के जनता चुनके नेता भेजी है और इन्होंने यहाँ से नीट की परीक्षा रद्द की है। साफ तौर से बड़ा आरोप और धर्मेंद्र प्रधान को साफ तौर से घेरते हुए जो छात्र है वो यहाँ पर लगा रहे हैं और इसके साथ साथ जो बैरिकेड है उसे भी जो तोड़ने की कोशिश है वो लगातार यहाँ पर जो एनएसवाई के छात्र हैं पहुंचे हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स
आरएएफ की जो टुकड़ी है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और साफ तौर से जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर छात्र कर रहे थे, और जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है उसे भी यहाँ पर लाया गया है। और इसके साथ साथ तमाम जो छात्र हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि ये बड़ा प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक जो नीट की परीक्षा है वो नहीं हो जाएगी। कुछ और छात्र उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहना है। देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से नीट के एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धांधली की, अब ये लोग जो प्रतिष्ठित जो पेपर हो रहे हैं नीट के एग्जाम, नेट के एग्जाम, अब उसमें भी ये लोग घोटाला करने का काम कर रहे हैं। लगातार इसका विरोध जारी रहेगा, लाठीचार्ज हो चाहे कुछ भी हो, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है दिव्यांकर, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जैनेन्द्र का रुख कर लेते हैं। अब जैनेन्द्र, वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से फोर्स बढ़ाई गई है, दिव्यांकर ने अभी तस्वीरें दिखाई है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज 18वीं लोकसभा, और एक तरफ नए सांसद जो हैं वो सदन के भीतर शपथ लेने का उनका सिलसिला जारी है, जहां पर विपक्ष के जो सांसद हैं उनके हाथ में वो संविधान की प्रतियां, वहां पर सरकार की उस तरीके से घेराबंदी संसद के भीतर, और यहां सड़क पर एनएसयूआई के जरिए विपक्ष की सरकार की घेराबंदी की ये एक तस्वीर। तो मतलब संसद से लेकर सड़क तक ये सरकार की घेराबंदी की तस्वीर ही है जो देखने के लिए मिल रही है विपक्ष की तरफ से। निश्चित तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हमेशा रहती है, लेकिन ये कहिए कि इस बार बड़ा पुख्ता मुद्दा हाथ लगा है नीट में। जिस तरीके से 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, और जाहिर सी बात है अगर उसको हम परिवारों से जोड़ दें तो संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 24 लाख परिवार अगर प्रभावित हैं, आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोग इस बात से प्रभावित हैं, और ये देश के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जाहिर सी बात है विपक्ष इस मसले पर लगातार घेरेबंदी कर रहा है सरकार की, और इसी कड़ी में संसद के अंदर भी हमने देखा शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के की शपथ के समय में नारेबाजी हुई, और सड़क पर कांग्रेस की छात्री का एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। जो छात्र है वो काफी आक्रोशित है, और चूंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से यह मुद्दा गंभीर लगातार बना हुआ है और सरकार बैकफुट पर है, इस वजह से आक्रामकता और बढ़ गई है। और यही वजह है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन संसद सत्र के पहले दिन एनएसयूआई ने किया है। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर के, सरकार पर सियासी दबाव बनाने की मांग को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के, और बड़ी संख्या में यहां पर छात्र प्रदर्शन में पहुंचे भी हैं, और काफी मुश्किल हुई है प्रदर्शन सुरक्षा बलों को इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में। हालांकि देखिए, आखिरकार समझा बुझा करके इन प्रदर्शनकारियों को थोड़ा थोड़ा पीछे किया जा रहा है, कोई बल प्रयोग नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया एनएसयूआई ने, लेकिन हल्का फुल्का हमने डंडे का प्रयोग देखा, लेकिन इसके बाद आरपीएफ की जो टुकड़ी है ये पीछे की तरफ प्रदर्शनकारियों को धकेल रही है और समझा रही है, कह रही है कि आपके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिन लोगों ने बैरिकेड क्रॉस किया था उन सबको हिरासत में लिया गया है, आप लोग वापस चले जाइए। और धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है वो भी पीछे जंतर मंतर की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो एक किस्म से एनएसयूआई का ये जो आज संसद मार्च था, संसद कूच था, वो खत्म हो गया है, लेकिन काफी उग्र प्रदर्शन और सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश के मद्देनजर ये हुआ, संभवतः उसमें उन्हें एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसदों, विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराया, और संसद के बाहर, संसद से सटे जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, और छात्रों की तरफ से सरकार से मांग रखी कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए। और जो नाकामी सामने जिस तरीके से आई है और जो रवैया शिक्षा मंत्री का रहा है, साफ तौर पर वो निशाने पर है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। आखिरी एक तस्वीर दिखा दूं रुमाना, ये प्रदर्शन अब खत्म हो गया है, संसद मार्ग की ये तस्वीरें हैं। यहां पर अभी कुछ देर पहले प्रदर्शन चल रहा था, उन बैरिकेडों पर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ जो है वो यहां पर साफ कर दिया गया, और प्रदर्शनकारियों ने समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने वापस कर दिया। हालांकि अभी भी नारेबाजी चल रही है।